फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम जो रत्नागिरी एक्सप्लोर का जो सीरीज़ है वो हमारी चल रही है, और हम आज जा रहे हैं प्राचीन कोंकण म्यूज़ियम जो है गणपति पुले में। और ये बहुत ही फेमस म्यूज़ियम है, यहाँ पे बताया गया है कि कैसे कोंकणी लोग रहते हैं, वो क्या खाते हैं, क्या और उनका ट्रेडिशनल क्या है। तो फ्रेंड्स, हम चलते हैं उस म्यूज़ियम में। अगर हम बात करें तो रत्नागिरी से 25 किलोमीटर है और खंडाला से यह 16 किलोमीटर है। तो आइए चलते हैं कोंकण म्यूज़ियम, और वहाँ पे मैजिक गार्डन भी है, तो हम वहाँ पे एक्सप्लोर करते हैं। तो आइए चलते हैं। और अब हम जा रहे हैं प्राचीन कोंकण म्यूज़ियम जो है गणपति पुले में। तो हम लोग पहुँच चुके हैं प्राचीन कोंकण म्यूज़ियम में। तो आप ये देख सकते हो, हम लोग एंट्री करने वाले हैं यहाँ अंदर। तो चलते हैं म्यूज़ियम में। कला काफ़ी उपयोग किया गया है, आप देख सकते हो कि कैसे अच्छी पेंटिंग की है, कैसे कोंकणी लोगों का पहनावा था इस तरह से कुछ। तो यह है टिकट काउंटर, यहाँ पर पर्सन 40 रुपये है, जिसके साथ गाइड भी हमें अवेलेबल मिलेगा। और यहाँ पे टिकट लेने के बाद हमें 20 रुपीज़ फ़ोन का चार्ज का भी देना पड़ेगा अगर आपको फ़ोटो खींचनी हो। और यहाँ ऊपर कोंकणी का ट्रेडिशनल खाना जैसे कि मोदक, सोल कड़ी, थाली पीट और बहुत सारे व्यंजन परोस जाते हैं, अगर आपको वो भी चाहिए तो यहाँ पे आपको टिकट काउंटर से ले सकते हो। यहाँ हमने नक्षत्र बाग तैयार किया है। हर एक के जन्म नक्षत्र के अनुसार एक पेड़ आराध्य पेड़ माना जाता है। इसकी पूजा अर्चा करने से व्यक्ति को धन सौख्य राहत प्राप्त होती है। हर एक के जन्म नक्षत्र के अनुसार हमने बाहर बोर्ड लगाया है, आप वो बोर्ड आते समय भी देख सकते हैं। नक्षत्र अनुसार वो देखना है, उस पेड़ की पूजा की जाती है। शिव जी ने 100 साल पहले लिखी इस कविता में कवि ने कोंकण की प्रकृति का सीधे साधे शब्दों में वर्णन किया है। इस कविता में नंदनवन इस शब्द का इस्तेमाल किया है। नंदनवन इस शब्द का अर्थ है स्वर्ग की देवता, इंद्र जी का बगीचा। वो जितना सुंदर है उतना ही हमारा कोंकण भी सुंदर है। ये गुफा हमने समय का प्रतीक बनाया है। इस गुफा के यहाँ है वर्तमान काल, और इसके पीछे है 500 साल पहले का भूतकाल, और इसके पीछे 500 साल पहले कोंकणी लोग कैसे रहते थे, उनकी समाज रचना, ग्राम रचना, खान पान की आदतें और परंपराएं कैसी थी, ये देखने के लिए आपको अंदर आना है। अंदर आते समय थोड़ा सा झुक कर आना।
और अभी हम यहाँ पर गुफा में प्रवेश करेंगे। और ये है आदिम मानव गुफा और ये कुछ इस तरह से है। ये कोकम का पेड़ है, इसके फल से रस निकाला जाता है और इसका इस्तेमाल कोकम शरबत और कोकम आगड़ में किया जाता है। इसके फल से छिलके से कोकम तैयार करते हैं, जो खाने में यूज करते हैं ना कोकम, उसका पेड़ है। पुराणों में इनका ऐसा उल्लेख किया है कि हजारों साल पहले भगवान परशुराम हो गए, उन्होंने सारी पृथ्वी जीत ली और जीती हुई भूमि उन्होंने दान की। दान की भी कौन सी भी चीज हम खुद के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन उन्हें रहने के लिए भूमि की जरूरत थी। आप जहाँ खड़े हैं वह हजारों साल पहले समंदर था, उन्होंने उसके साथ युद्ध किया और उसे 40 से 50 किलोमीटर पीछे ढकेल दिया और जो भूमि निर्माण हुई उसे हम कोंकण कहते हैं और इस भूमि को परशुराम जी की भूमि कहते हैं। कोंकण में लाल रंग का जांभा नाम का पत्थर मिलता है। इसका ये जो आप रास्ता देख रहे हैं उसे कोंकणी भाषा में हम पगदंडी कहते हैं। ये पगदंडी 400 साल पुरानी है। पहले ये पगदंडी गणेश जी के मंदिर तक थी, आधुनिकता में वो नष्ट हो गई। कोंकण में दुर्गम पहाड़ी पर वनवासी लोग रहते थे, उसमें भिल्ल और कातकरी लोगों का समावेश होता था। यहाँ हमने कातकरी समाज के लोग दिखाए हैं, जो लोग शिकार करते थे। हम कोंकणी लोग भी साल भर भगवान के पास जाकर भगवान का दर्शन लेते हैं, पर हमारे यहाँ जब शिमगा यानी होली का त्योहार मनाया जाता है तभी इस भगवान को इस पालकी में बिठाकर गांव में हर एक के घर में ले जाते हैं। इस देवी का नाम वाघजाई है। यह हमने जानबूझकर रखा है क्योंकि जिस जंगल में वाघ पाए जाते हैं वो जंगल समृद्ध माना जाता है और 500 साल पहले का जंगल भी समृद्ध था। हम कोंकणी लोग वड़ पिंपल नागसाप इनकी पूजा करते हैं, यानी कि हम निसर्ग पूजा कहलाते हैं। ये हमारी कुछ पुरानी वाद्य है। लकड़ी के ढोल है, मिट्टी के दो ताशे हैं, यानी का इनका नीचे का भाग मिट्टी से तैयार किया है। ये 110 साल पुराने हैं। पहला इसका इस्तेमाल धार्मिक कार्य के लिए करते थे। ये चौवाटा देव है। हमारे यहाँ इसे भगवान का स्वरूप माना गया है। हमारे यहाँ जब शिमगा यानी होली का त्योहार मनाया जाता है तभी गांव की सुविधा के लिए मन्नतें मांगी जाती है और भूतों पर नियंत्रण रखने के लिए पूजा भी की जाती है। ये वीरगल है, वीर लोगों का प्रतीक चिन्ह, जो लोग युद्ध में शहीद होते हैं उनका स्मारक है ये। इतने पास समुद्र का भर्ती का पानी भी उनके मकान में लग जाता था, तभी ये लोग इतनी छोटी सी नौका लेकर 8-10 घंटे गहरे समंदर में मछलियाँ पकड़ते थे और ये अपनी सेवा देते थे। इसके बदले में इन्हें पैसे नहीं मिलते लेकिन अनाज मिलता था, यानी कि इस नाई को गांव में हर एक के घर में जाकर एक आदमी के बाल काटने के लिए साल भर के लिए 4 पैली यानी कि आज का 8 किलो अनाज मिलता था। इतने कम बिदागी पर ये लोग समाज की सेवा करते थे। इस नाई के बारे में हमारे लोक साहित्य में एक मजे का वर्णन किया है कि गांव की हर एक खबर इस नाई को पता चलती है और इसे पता चली खबर पूरे गांव को पता चलती है। अब जैसे आप आए, ये खबर इस नाई को पता चली तो समझो हमारे पूरे गांव को पता चलेगी। हमारा पूरा गांव आपके स्वागत के लिए उत्सुक रहेगा। रिवाज के अनुसार हम पहले मुखिया के घर जाएंगे और बाद में पूरा गांव देखेंगे।
प्रियका मुखिया करते थे। प्रिय मुखिया की बीवी है। पहले कोंकणी औरतें शूर और सुंदर थी, उन्हें स्वतंत्रता नहीं थी। मांस घर के दरवाजे की चौखटी उनके लिए मर्यादा थी। ये मुखिया के दो बच्चे हैं, वह धर्मराज और दुर्योधन। इनके बीच में द्यूत नाम से खेला गया था। हस्तिदंती फांसे लेकर ये खेल खेला जाता है। मकान की रचना देखिए, मुखिया जिस ऊंचाई पर बैठे हैं उसे ओटी कहा जाता है। गांव के मान्यवर लोग ओटी पर बैठे थे और सामने है उसे पड़वी कहा जाता है। सर्वसामान्य लोग पड़वी पर बैठे थे। यहाँ है रसोई घर और यहाँ है भगवान का घर। मुखिया के पीछे है मांस घर यानी कि पहले का बेडरूम। छप्पर की रचना देखिए, ऊपर छोटा छप्पर है, बीच में गैप है और नीचे बड़ा छप्पर है। कोंकण में गर्मी बहुत होती है, अंदर की गर्म हवा इस गैप से बाहर जाती है और बाहर की ठंडा हवा उसकी जगह लेती है, यानी कि घर का वातावरण हमेशा के लिए ठंडा रहता है। घर के सामने बड़ा आंगन है और आंगन में तुलसी वृंदावन है। यहाँ पे हर घर के सामने होता है तुलसी का वृंदावन। क्योंकि पहले लाइटर और माचिस नहीं थी, किसान की बीवी को जब खाना बनाना हो तो यहाँ से दो शोले लेकर रसोई घर का चूल्हा जलाती थी। जब ये चूल्हा बुझ गया तो घर में दो चकमक के पत्थर थे, वो घिसट कर आंच लगाई जाती थी। ये खोइनी है, इसका इस्तेमाल मछलियाँ पकड़ने के लिए करते थे। यहाँ से बेली इन्हें बांधकर पानी में रखा जाता है और यहाँ से मछली अंदर जाती है तो वापस बाहर नहीं आती, अंदर अटक जाती है। ये किसान की बीवी है और ये किसान की लड़की है। ये इरला है, इसे बारिश में छाते की तरह इस्तेमाल करते थे। और ये उछल है, इसका इस्तेमाल कपड़े सुखाने के लिए करते थे। और ये कोंकण का त्यौहार गौरी गणपति दिखाया है और यहाँ पे कंगी दिखाई है, इसमें अनाज रखते हैं और बाहर से गोबर से पुताई की जाती है, यानी कि अंदर का अनाज 2-3 साल तक अच्छा रहता है। वहाँ पर झूला दिखाया है। मिट्टी के संबंधित सभी चीजें बनाने का काम ये कुम्हार करता था। गणेश जी के त्योहार पर गणेश जी की मूर्तियां बनाना, दिवाली में दिए बनाना। ये जो सफेद रंग का मटका है वो माड़ी निकालने का मटका है, ताड़ी माड़ी होती है ना, वो निकालने का मटका। कोंकण में नारियल के पेड़ बहुत होते हैं, उसे नारियल आने से पहले एक पोई आती है, उस पोई को आधा काटा जाता है। उस पोई को जासवंदी के पत्ते रगड़ कर लगाए जाते हैं। ये पत्ते उस पोई में से माड़ी खींच लेते हैं और बुनबुन आने वाली माड़ी इस मटके में इकट्ठा की जाती है। माड़ी निकालने का व्यवसाय अभी भी चल रहा है। बगीचे में जाकर नारियल लेकर आता था और तेली उसके सामने नारियल का तेल निकाल कर देता था। ये तेल की घानी है, इसे खून कहा जाता है। इसमें सूखा नारियल डाला जाता है। ये जो खड़ी लकड़ी है उसे लाट कहा जाता है। इस लाट को ये आड़ी लकड़ी इस तरह से बंधी जाती है कि ये लाट खड़ी रहती है। यहाँ पत्थर रखकर तेली खुद बैठता है और इस कोल्हू को बैल बांधा जाता है। ये सब वजन बैल से गोल घुमाने के बाद लाट पर पड़ता है, लाट का वजन नारियल पर पड़ता है। इसी तरह नारियल पीसकर तेल निकाला जाता है और अंदर का तेल बाहर निकालने के लिए कोल्हू का बैल छोड़ना पड़ता है, कोल्हू बाजू करना पड़ता है। आड़ी लकड़ी छोड़कर लाट बाजू करनी पड़ती है और अंदर का तेल बाहर निकाला जाता है और फिर से नया तेल निकालने के लिए नया नारियल डाला जाता है, यानी कि तेली को इतना सा तेल निकालने के लिए 1 या 1.5 घंटा लगता है, यानी कि पहले का जीवन इतना ही कष्टमय था। अनुसार थे और इसका काम बम्बू के चीजें बनाने का काम ये बुरुड करता था।
ये फूलों की टोकरी है और इसे रौली बोलते हैं। इसका इस्तेमाल अनाज धोने के लिए करते हैं। हमारे यहाँ जब शुभ कार्य होता है तब घर की कुंवारी लड़की इस रौली में दिया लेकर खड़ी रहती है। शुभ कार्य पूरा होने से पहले ये दिया बुझ गया तो शुभ कार्य अशुभ माना जाता है। पहले कोंकणी लोग अपने खाने में मछली की करी और चावल बहुत खाते हैं, और कोंकण में आप भर मछली की करी, उबले हुए मोदक और भाजनी के वड़े नहीं खाएंगे तो कोंकण की सफर अधूरी रहेगी। ये मोदक पात्र है, यानी कि पहले का कोंकणी कुकर। यहाँ नीचे पानी रखा जाता है, उसके ऊपर एक चालन रखकर उसके ऊपर मोदक रखे जाते हैं, और ये ढक्कन लगाकर इसे चूल्हे पर रखा जाता है, यानी कि अंदर के मोदक स्टीम हो जाते हैं। ये पूरन यंत्र है, पूरन पोली बनाते हैं ना, इसमें दाल डाली जाती है और ये गोल गोल घुमाने के बाद नीचे से पूरन गिरता है यहाँ से, और उसकी मिट्टी रोटियाँ तैयार की जाती हैं। ये सेवैया का यंत्र है, सेव निकालते हैं ना, ये लकड़ी का है और वो लोखंड का है, और ये टिफिन बॉक्स है, दो चम्मच नीचे खाने के 3 डब्बे हैं, और यहाँ पे चाय की केटली दिखाई है, बड़ी वाली। इस चक्की में आटा पीसते हैं। उसी तरह ये चूड़ी वाला इस लड़की के घर में आया है। पहले लड़की की शादी 8 या 10 साल में हो जाती थी, तब तक ये चूड़ी वाला उसे फ्री में चूड़ी चढ़ाता था। जब इस लड़की की शादी हो जाएगी तब इस लड़की के पिताजी इस चूड़ी वाले को सोने का गहना देते थे, इतनी ही कम उसकी बिदागी थी। ये चर्मकार है, खाल से चीजें बनाने का काम ये चर्मकार करता था, और इसके साथ एक महत्वपूर्ण घटना जो 500 साल पहले घटी थी। यहाँ से 80 किलोमीटर दूरी पर भगवान शंकर जी का मार्लेश्वर नाम का मंदिर है। वहाँ एक पहाड़ी पर गुफा है, गुफा के अंदर एक शिवलिंग है, और वहाँ की विशेषता ये है कि वहाँ अभी भी जीवित सांप पाए जाते हैं। पहले ये भगवान एक गांव में रहते थे, गांव के लोगों का व्यवहार उन्हें पसंद नहीं था, इसलिए उन्होंने गांव छोड़ने का निर्णय लिया। मकर संक्रांति के पहले दिन उन्होंने गांव छोड़ दिया। गांव के बाहर एक चर्मकार का मकान था। चर्मकार गरीब था लेकिन श्रद्धालु और नीतिवान था। भगवान शंकर जी ने किसी प्रकार का जाति पाति का भेद न मानते हुए उसे मशाल दिखाने के लिए विनती की। चर्मकार ने भी अतिथि देवाभाव समझकर उसे मशाल दिखाने के लिए मकान के बाहर निकले। अब जहाँ मार्लेश्वर है वहाँ जाकर भगवान शंकर जी ने अपना असली रूप प्रकट किया और इस चर्मकार को दर्शन दिया और उसे कहा कि अब मैं इस गुफा में ही रहूँगा। इस घटना को 500 साल हो गए। भगवान शंकर जी की मूल गांव से पालकी निकलती है और उसे मशाल दिखाने का काम चर्मकार का आज का जो वंशज है वो करता है, यानी कि मार्लेश्वर ऐसा स्थान है वहाँ किसी प्रकार का जाति भेद नहीं मानते। धनगरिस मराठी शब्द का अर्थ है जिसके पास बहु धन संपत्ति होती है। ये लोग जब गांव में आते थे तब उनके पैरों में खाल से बने हुए जूते, कंधे पर फटी हुई चादर और हाथ में गुंगूर की लाठी होती थी, और इनके पास 100 और 125 गाय, 5 और 25 भैंस होती थी। इन सबको बेचना चाहेंगे तो इसकी कीमत कई लाखों में हो जाती थी। कोंकणी लोगों की रहन सीधी होने के कारण उनकी रहन भी सीधी ही थी। रहन मतलब यहाँ पे बकरी का मकान दिखाया है। पहले लोग ऐसे ऊपर बांधते थे जानवरों से बचने के लिए, और छप्पर की रचना ऐसी है कि कितनी भी बारिश हो लेकिन बारिश का पानी अंदर नहीं जा सकता। ये खैर का पेड़ है, इसे कत्था निकाला जाता है। जो पान में खाते हैं ना कत्था, लाल कलर का होता है, इस पेड़ से निकालते हैं। और ये पत्था बनाने की भट्टी है, ये जो खैर का पेड़ है उसे पूरा काटा जाता है, उसके अंदर जो लाल रंग वाला हिस्सा होता है उसके छोटे छोटे पीस करके पहले 4 मटकों में पानी के साथ उबालते हैं और उसका पाक तैयार किया जाता है, और बाद में उसे छाया में सुखाते हैं। 3-4 महीने लगते हैं कत्था बनाने के लिए।
एक तरफ भी तीन तीन लोग मचान पे जा सकते हैं। पहले लोग शिकार करने के लिए मचान बनते हैं और यहाँ आपको कुछ खरीदना है तो खरीद सकते हैं। और आगे लास्ट पॉइंट शंख का प्रदर्शन है, वही से नीचे आपको एग्जिट है। हाँ और हम जा रहे हैं इसके ऊपर और ये काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और देख सकते हैं हम कितनी हाइट पे जा रहे हैं। और ये बहुत ही मजबूत है बट इसमें ओनली तीन लोग ही जा सकते हैं हम। और हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं और ये कुछ इस तरह से है। और आप देख सकते हो यहाँ का व्यूज़ बहुत ही शानदार है। ये हम काफ़ी हाइट पे हैं और आप देख सकते हो। तो फ्रेंड्स देख सकते हो हम कितने टॉप पे हैं और ये है मेरे पति देव और हम हैं कोंकण की यात्रा पे। और हम जाएंगे लोकल है, आपने मतलब खुद बनाया है। और यहाँ पे देखो तो बहुत सारे सिरप्स तो मिल जाएंगे। ये है जामुन का, ये है आपका मैंगो, क्योंकि यहाँ पे रत्नागिरी मैंगोज बहुत होते हैं तो मैंगो के सिरप स्क्वैश बहुत सारे मिल जाएंगे। और सबसे फेमस है कोलम, तो कोलम का सिरप भी आपको इजीली मिल जाएगा। करी पन्ना, करी पन्ना। और ये है कोकनी का ट्रेडिशनल खाना, तो ये है थाली पीठ जो बहुत सारे धान मिलके ज्वार बाजरा को मिलके बनाया जाता है। ये है मोदक, ये है सोल कड़ी जो नारियल को पीस करके बनाई जाती है। और ये है दही। और ये कोकणियों का बहुत ही प्राचीन व्यंजन है और जो हमको यहाँ पे सर्व किया है प्राचीन कोकण म्यूज़ियम में, तो हम इसे करते हैं इन्जॉय। वारली पेंटिंग जो कोकणी लोगों का फेमस पेंटिंग है। तो फ्रेंड्स मेरा सफ़र यहीं पे ख़त्म होता है और मुझे कोंकण का म्यूज़ियम बहुत ही अच्छा लगा। मुझे यहाँ पे इनकी सभ्यता जानने का मौका मिला, यहाँ के लोग कैसे थे, वो क्या खाना खाते थे, कैसे पहनते थे, क्या काम करते थे, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। आई होप यू लाइक माई वीडियो। इफ़ यू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, हैव अ ग्रेट।